नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ नेपाल के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते। नेपाल साउथ एशिया का सबसे पुराना देश माना जाता है। नेपाल लैंडलॉक्ड कंट्री है। यह मूल रूप से हिमालय के गोद में बसा है। इसकी सीमा उत्तर में चीन और दक्षिण पूर्व पश्चिम में भारत से घिरी है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर इसे बांग्लादेश की सीमा से अलग करती है। 2008 से पहले नेपाल राजतंत्र था और दुनिया का एकमात्र हिंदू घोषित देश था, लेकिन 2008 के बाद नेपाल को डेमोक्रेटिक कंट्री बना दिया गया। यहाँ 81% हिंदू, 9% बौद्ध तथा 4.5% मुस्लिम है। कोई भी देश आज तक नेपाल को कॉलोनी नहीं बना पाया। यही वजह है कि नेपाल का कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं है। काठमांडू नेपाल का सबसे बड़ा नगर है और इसकी राजधानी है। काठमांडू दुनिया में एकमात्र जगह है जहां पर 15 किलोमीटर के अंदर 7 वर्ल्ड हेरिटेज साइट मौजूद हैं। प्राकृतिक नज़रिए से देखा जाए तो नेपाल बहुत विचित्र है। संसार की 14 सबसे ऊंची चोटी में से 8 नेपाल में है, जिसमें संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही है, जिसे नेपाल में सागर माथा भी कहते हैं। नेपाल में दुनिया में सबसे ज़्यादा पक्षी का प्रजाति पाया जाता है, जो लगभग 870 से अधिक है। इसलिए नेपाल को एशिया का अमेजन भी कहा जाता है। नेपाल के गोरखा प्रजाति बहुत बहादुर होते हैं। पूरी दुनिया में इसकी मिसाल दी जाती है। 1815 से पहले अंग्रेज़ों ने नेपाल को दखल करने की कोशिश की थी, लेकिन इन बहादुर गोरखाओं ने अंग्रेज़ों को पछाड़ दिया। किसी भारतीय को नेपाल जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेपाल में 80 से ज़्यादा जाति के लोग रहते हैं और 123 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। बौद्ध धर्म के लिए नेपाल बहुत महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में ही हुआ था। नेपाल के ज़्यादातर लोग गरीब हैं और लगभग आधी आबादी भारतीय 70 रुपये से कम कमाती है। नेपाल में एक पूजा होती है जिसमें कुंवारी लड़कियों को पूजा जाता है, जिसे दुनिया लिविंग गॉड्स के नाम से जानती है।